मैं बात करने वाला हूं अपने बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही मेरे प्यारे मित्र ध्रुव राठी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलविस यादव और ध्रुव राठी की, जो अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर, क्योंकि ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में से एक है। हम सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले एलविस यादव ने अपने मेन चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उसने ध्रुव राठी को एक एंटी नेशनल घोषित किया था और उन पर बहुत सारे और भी एलिगेशंस लगाए हुए थे। और उनके फैक्ट्स पर, जो फैक्ट्स उसने अपने वीडियो में दिए हुए थे, उस पर उसने उनको काउंटर करने के लिए बोला था कि अगर ध्रुव राठी सही है तो इन मेरे सभी फैक्ट्स को काउंटर करे। बहुत दिन हो गए थे, कोई रिप्लाई नहीं आया था ध्रुव राठी की तरफ से, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा है कि ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक और नया वीडियो अपलोड किया और उसमें बहुत सारे इसने एलविस यादव ने जो अपने फैक्ट्स दिए थे उन सभी फैक्ट्स को इन्होंने काउंटर करके इसका, एलविस यादव का एक प्रकार से कहें तो इनकाउंटर कर दिया। इसके लिए इसने एक फेसबुक प्रोफाइल दिखाई पीछे प्रूफ के तौर पर, और जानते हो क्या दोस्तों, ये किसी और आदि लमन की फेसबुक प्रोफाइल थी। लिटरली यहाँ पर दो अलग अलग इंसानों की बात करी जा रही थी। या तो ये खुद इतना बेवकूफ है कि इसने चेक भी नहीं किया कि यहाँ पर किसका फेसबुक प्रोफाइल दिखा रहा है, या फिर ये सही मायनों में अपने व्यूअर्स को बेवकूफ समझता है। एलविस ने अपने वीडियो में कहा कि कोई भी आर्टिकल फार्टिकल दिखाकर किसी को भी कुछ भी साबित किया जा सकता है। मान लो कैमरामैन है, मुझे इसको गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा कैसे ना कैसे करके, आर्टिकल फार्टिकल दिखा के। यही चीज एग्जैक्टली एलविस ने अपने वीडियो में करी। हर्ष मंदर की बात करते हुए इसने आर्टिकल दिखाया, एक लाइन को अंडरलाइन कर दिया कि मेरे माता पिता तांजानिया में ब्रिटिश पुलिस के लिए काम करते थे। अब इस आर्टिकल को देखो, यहां तो मंदर की बजाय सिंह लिखा है। माना कि तू अनपढ़ टाइप का है, लेकिन क्या इतना भी पढ़ना नहीं आता कि हर्ष मंदर और हरमंदर सिंह में डिफरेंशिएट कर सके यहाँ पर। और ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में यह भी कहा एलविस यादव को कि अगर वो चाहें तो उस पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस भी फाइल कर सकते हैं, और वो लोग भी फाइल कर सकते हैं जिसकी उसने अपने वीडियो में गलत तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है, वो लोग भी चाहें तो इस पर बहुत सारे केस कर सकते हैं। पर अगर हर्ष मंदर भी चाहें तो वो भी सीधा सीधा एलविस के ऊपर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की बेटी अमृत सिंह के खिलाफ जो तूने झूठ फैलाया है, वो भी केस कर सकती हैं तेरे ऊपर। और तो और मैं भी केस कर सकता हूं तेरे ऊपर डिफेमेशन का। मेरे लॉयर ने कहा कि जो भी तूने बकवास करी है इस वीडियो में, वो सीधे तौर पर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बनता है। अगर ये सारे और केसेस कल को तेरे ऊपर हो गए तो फिर विक्टिम कार्ड मत खेलियो, मैंने पहले ही वॉर्न किया था इस वीडियो। ध्रुव राठी ने कहा ये तो केवल गिने चुने बस फैक्ट्स के काउंटर हैं, और वो ये जो बार बार कहता है ना कि काउंटर कहाँ है, उन्होंने पहले तो कहा कि तू कौवे जैसे काऊ काऊ करना बंद कर। काउंटर कहाँ है, जवाब कहाँ है करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। और एक फन फैक्ट बताऊँ, अगर रोस्ट ऑफ द ईयर किसी बंदे का हुआ है तो वो है एलविस यादव का, और एलविस 40 द्वारा। दोस्तों वैसे मुझे पता नहीं एलविस यादव में कितनी स्किल्स हैं, तो इसका तो छोड़ो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर एलविस 40 कूपन कोड यूज कर सकते हो जाकर।